मैं आज भी कहता हूँ कि जो ऐसी यात्रा है वो निजी यात्रा है, कांग्रेस का उसके साथ कोई लेन देन नहीं, यात्रा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉपर वे से बात होनी चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होनी चाहिए, जब पार्टी की मीटिंग होती है वहाँ आदमी को बोलना चाहिए, वहीं चीफ मिनिस्टर है, वहीं पूरी कांग्रेस है, वहाँ पर ही सभी लीडर बैठते हैं, वहाँ बात होनी चाहिए। अगर वहाँ बात नहीं होती तो फिर हम कहेंगे कि हाँ इनकी सुनी नहीं गई और इनको जवाब नहीं दिया गया। तो ऐसी यात्रा जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ठीक है यात्रा निकालनी चाहिए, पर जो अनाउंसमेंट करनी कर्नाटका के इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले और वोटिंग से पहले ही यात्रा निकाल देनी, ये मैं कोई अच्छी बात नहीं समझता। हाँ गुस्सा ज़रूर होता है कि करप्शन के अगेंस्ट मैं भी कहता हूँ कि एक्शन आना चाहिए। साथ में हमें ये भी कहना चाहिए कि जो अभी तक एक्शन नहीं हो रहा गजेंद्र सिंह शेखावत के अगेंस्ट 1000 संजीवनी घोटाला जो है उसका भी साथ होना चाहिए, और जो वसुंधरा का है तो उसकी टाइम बाउंड जो अगर कोई है तो उसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी और इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। मैंने देखिए किसी का अल्टीमेटम देना वो तो चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बात है, अगर ऐसी कह देना इंक्वायरी होनी चाहिए उनको विद फैक्ट्स और जो जो एलिगेशन है उनको पब्लिक में लेकर आना चाहिए, और सुखजिंदर सिंह पहला आदमी होगा जो कहेगा चीफ मिनिस्टर से कि इनकी टाइम बाउंड इंक्वायरी और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वहाँ इनका केस भेज देना चाहिए। वो तो वो तो डे टू डे रिपोर्ट मांगते हैं और मैं डे टू डे रिपोर्ट भेज भी देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कौन लीडर कर रहा है, क्या नहीं कर रहे, कौन कांग्रेस का काम कर रहा है, जो कौन सा कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो डे टू डे हर रोज मेरी रिपोर्ट जाती है। सर ये डिफरेंस विधानसभा चुनाव में इफेक्ट करेगा, दो दूरियां बन गई है। देखिए पॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट कभी दुश्मन नहीं होता, ये दूरियों पर अगर कोई ऐसी बात होगी आप जब करेंगे आप सबको बताएंगे और आप उनके सामने ही बात करेंगे। मेरा ख्याल आप ले आओ, मैं आज ही खिला दूंगा। नहीं वो लेकर हम इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस भवन में आपको लेकर लड्डू भी खिलाएंगे, चाय भी खिलाएंगे, सभी लीडरों को भी बिठाएंगे।